वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। बिहार बोर्ड के तमाम छात्रों को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद एसकेपी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैट्रिक और ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, उसके लिए मैं लिटरेचर और ग्रामर की वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और इस वीडियो से पहले मैं ग्रामर में वॉयस सेक्शन की पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वॉयस की बेसिक बातों को, डिफिनेशन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को बताने का प्रयास किया है। तो ये हमारे वॉयस सीरीज की दूसरी वीडियो है और इसमें मैं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी जो दूसरे नंबर पे आता है परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को समझाने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी दूसरा जो टेंस जिसको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे 10 सवाल आप देख सकते हैं बोर्ड पे जो लिखा गया है, इसको मैं बना करके अभी आपको बताऊंगा और समझाऊंगा बिल्कुल आसान तरीका में। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किताब में जो दिया रहता है कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, राम इज ईटिंग अ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी चीजें दिया रहता है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये जो है चेंज करना बेहद ही आसान है। बट मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस को दिया है जो स्पेशल टाइप के हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई एम ऑल्सो ईटिंग व्हाट यू आर ईटिंग, यानी कि जो तुम खा रहे हो वो मैं भी खा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो प्लेइंग व्हाट यू आर प्लेइंग, यानी कि जो आप खेल रहे हैं वो मैं भी खेल रहा हूँ। ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना, या एक यहाँ देख सकते हैं, दे आर सेइंग टू गो देयर, दे आर सेइंग वे लोग कह रहे हैं वहां जाने के लिए। ऐसे सेंटेंसेस को, या आप क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस को देख सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करते हैं, ये आपको बुक वगैरह में भी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ सारी चीजें चेंज करके बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस चेंज करने का क्या तरीका है। तो हम एक्टिव वॉयस पहले देखेंगे कि एक्टिव वॉयस का क्या, तो आई होप कि आप जहां पढ़ते हैं आपको बताया गया कि इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और प्लस पी वी आई एन जी यानी पी वी फोर और प्लस अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। पहली बात, एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है, मैंने पहले भी वीडियो में चर्चा किया था कि सेंटेंस किस प्रकार के हो, पहले सबसे पहले वॉयस में सेंटेंस को पहचानना जरूरी होता है कि आखिर सेंटेंस किस क्राइटेरिया के हैं, किस तरह के सेंटेंसेज हैं, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के हैं। तो एक बार सेंटेंस को हम रिकॉग्नाइज कर लिए तो आसानी से हम वॉयस को डील कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस पी वी फोर प्लस अदर वर्ड, और इसका पैसिव वॉयस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्ट उधर से उठा कर लाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, इज आर एम का इज आर एम ही रहने देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड में यहाँ पर हम एक बींग शब्द का यूज करते हैं, बींग बी ई आई एन जी बींग का यूज करते हैं, और प्लस मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, अगर आप अभी तक हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। तो बींग का यूज करते हैं और प्लस पी वी थ्री, मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि हर हाल में पी वी थ्री का यूज करते हैं, विदाउट पी वी थ्री वॉयस को हम नहीं बनाते हैं, और प्लस बाई लगाएंगे और बाई के बाद हम फिर इधर का सब्जेक्ट उधर ले जाएंगे जो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। बस इतनी सी बातों को ख्याल रखना है, एक चीज ख्याल रखना है कि इसमें बींग हम अपने मन से यानी कि अदर वर्ड के तौर पर इसमें ऐड कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं। सिंपल तरीका है, बिल्कुल ही आसान है कि सब्जेक्ट यानी टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ई जा रहे हैं पी वी फोर आई एन जी पी वी फोर को कहते हैं, और अदर वर्ड, और पैसिव वॉयस में अदर वर्ड को इधर लाएंगे और ई जा रहे हैं प्लस बींग अपने मन से पी वी थ्री और बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा करके हम इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से चेंज करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। बनाएंगे बेहद ही आसान बनेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि आई एम डूइंग सम्स पहला है, तो सम्स से चेंज करेंगे सम्स आर, क्योंकि सम्स मींस बहुत सारे सवाल हो गए, मतलब मैं बहुत सारे सवाल को बना रहा हूं, तो सम्स के साथ आर यूज करेंगे, सम्स आर बींग और बींग लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और डूइंग का डन कर देंगे, सम्स आर बींग डन बाई मी। और मैंने पहले भी वीडियो में और अभी भी मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस चेंज इंटरचेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू, अपने आप में इंटरचेंज करते हैं, तो आई चेंज हो जाएगा मी में, क्योंकि आई ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे मी आप देख रहे हैं कि आई नॉमिनेटिव केस है, तो वहां पे मी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, सी इज टू डू इट, बहुत आसान है, इट से शुरू करेंगे, इट इज टू बी और बी का यूज करेंगे टू बी डन, इट इज टू बी Done. It is to be done by her. C को हम हर में बना देंगे, यानी कि it is to be done by
और आगे देखेंगे तीसरा जो सेंटेंस है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम, यानी कि बच्चे गेम को खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। इसी तरह चेंज करेंगे, द गेम से स्टार्ट करेंगे, द गेम आर, द गेम्स के बाद इज लगाएंगे, द गेम इज और प्लेड, प्लेड क्योंकि पीवी थ्री लगाएंगे, प्लेड बाई द चिल्ड्रेन। तो बहुत ही आसान है वॉयस को चेंज करना और इसको समझना, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें बस सेंटेंस वही लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके चेंज करना है, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो देखेंगे अगला सेंटेंस जो है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन जो है क्रिकेट खेल रहा है, इजंट ही, खेल रहा है ना। यही सेंटेंस ज्यादातर लोग नहीं समझा पाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, इजंट ही, ये क्वेश्चन टैग में कहा है, और क्वेश्चन टैग को चेंज करना आसान नहीं होता है। बट मैं आपको बताता हूँ कि डरिए नहीं, क्वेश्चन टैग दिया हुआ है तो डरना नहीं है, बस क्रिकेट से शुरू कीजिए। जैसे और बनाते हैं तो क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग और प्लेड, प्लेइंग को प्लेड करेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। बस इतना चेंज हुआ अभी कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। अब क्वेश्चन टैग को कैसे चेंज करेंगे, इजंट ही जो यहाँ लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम उसी तरह करना है, इजंट को इजंट रहने देंगे, है ना। और यहाँ क्रिकेट सब्जेक्ट बन चुका है और क्रिकेट के लिए हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, तो इजंट, इट और बीइंग लगाएंगे, क्योंकि इसमें बीइंग भी इधर हम जोड़े थे अपने मन से, तो इजंट इट बीइंग करेंगे, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझना है, आप इसके ऊपर कई सारे और भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं और सारे एग्जांपल देख सकते हैं, उसको बनाने का प्रयास करें। ये चीजें आपको किताब वगैरह में बहुत कम मिली रहती हैं और आए दिन हम जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बच्चे इस सब को लेकर परेशान दिखते हैं। तो मैं आपको यहाँ तो एक एग्जाम्पल दिया हूँ, आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना करके देख सकते हैं, बनाने का बस प्रोसेस वही है जैसे क्वेश्चन टैग बनता है। आगे देखेंगे, दे आर सेइंग टू गो देयर, अब ये भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड किस्म का है, टू गो देयर, दे आर सेइंग टू गो देयर, कैसे चेंज करें, तो एक तरीका है कि टू से हम चेंज करते हैं, टू गो देयर, यहां से चेंज करेंगे, टू गो देयर इज और टू गो देयर इज बीइंग, टू गो देयर इज बीइंग सेड, से को हम सेड बना देंगे, सेड बाय देम, टू गो देयर इज बीइंग सेड बाय देम, या एक और तरीका है इसको चेंज करने का, आप इसे भी इट से इसको चेंज करते हैं, जैसे कि इट इज बीइंग, डायरेक्ट लगाइए, इट इज बीइंग, इट इज बीइंग, इट से बनाएंगे, जैसे दे आर सेइंग टू गो देयर, तो इट इज बीइंग टोल्ड, टोल्ड लगाएंगे, सेड को या टू सेइंग को सेड कर, इट इज बीइंग सेड कर देंगे, इट इज बीइंग सेड और बाय देम, इट इज बीइंग सेड बाय देम, और टू गो देयर के टू गो देयर उसी तरह रहने देंगे, टू गो देयर। तो दो तरीका है इसको चेंज करने के लिए, कि एक तो टू से उठा लीजिए, पूरा को सब्जेक्ट मान लीजिए, टू गो देयर, टू गो देयर इज बीइंग सेड बाय देम, या एक काम कीजिए कि अपने मन से इट को लेकर आइए, इट इज बीइंग सेड बाय देम टू गो देयर। आई होप कि दोनों में से जिस तरीके से आपको चेंज करना है कीजिए। एग्जाम पे आपको जब परीक्षाएं होती हैं तो वहां पर तो बना करके ही दिया रहता है, बस आपको दिमाग को जो डालना है और सही आंसर को चूज कर लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है, तो आई एम ड्रॉइंग द पिक्चर, ये बहुत आसान है, आराम से चेंज हो जाएगा, द पिक्चर, द पिक्चर इज, ड्रॉइंग का ड्रॉन हम लिख लेंगे, डी आर ए डब्ल्यू एन, द पिक्चर इज ड्रॉन बाई मी, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, आसान था, द पिक्चर इज ड्रॉन बाय मी। सबसे जरूरी बात हो जाती है यहाँ पे क्वेश्चन टैग को कैसे हम चेंज करेंगे, दूसरी बात आ जाती है कि जिसमें टू लगा हो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो भी मैंने आपको बना करके बता दिया। ये सारे क्वेश्चन टैग, टू वाले सेंटेंस या और स्पेशल टाइप के जो सेंटेंसेज जैसे यहाँ देख रहे हैं, इस पर मैं एक एक्स्ट्रा और वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अगले सेंटेंस को हम देखेंगे, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, तो और आगे देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगला सेंटेंस जो चेंज करने के लिए दिया गया है वो ये है कि द स्टूडेंट आर वॉचिंग द मैच, यानी कि स्टूडेंट जो है मैच को देख रहे हैं, तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, द मैच इज बीइंग, द मैच इज बीइंग वॉच्ड, W A T C H E D, watched, the match is being watched by the student,
by the student. तो बहुत आसान था ये चेंज करना। अब जो नीचे दो सेंटेंसेज आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा टफ है। आई एम ऑल्सो ईटिंग व्हाट यू आर ईटिंग, इसको कैसे चेंज करें, यानी जो तुम खाना जो आप खा रहे हैं वो मैं भी खा रहा हूँ, या आई एम ऑल्सो प्लेइंग व्हाट यू आर प्लेइंग, जो आप खेल रहे हैं वो मैं भी खेल रहा हूँ, इसको कैसे चेंज करेंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। तो करना कुछ नहीं है माई डियर फ्रेंड, बस व्हाट से उठा करके बना दीजिए, व्हाट यू आर ईटिंग, इस सबको सब्जेक्ट मान लीजिए। तो बनाते हैं व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इज लगा देंगे, इज व्हाट यू आर ईटिंग इज बीइंग, चाहे ऐसे बना सकते हैं व्हाट यू आर ईटिंग इज ऑल्सो बीइंग, इज ऑल्सो बीइंग ऑल्सो है, और एक बार ईट जो इधर वाला है उसको पीवी3 लिखेंगे, ईटन करेंगे। तो व्हाट यू आर ईटिंग इज ऑल्सो बीइंग ईटन बाई मी, देखें बहुत आसान है समझना। ये पूरा को सब्जेक्ट मान लेंगे, व्हाट से लेकर के पूरा को इधर ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उधर सब्जेक्ट, व्हाट यू आर ईटिंग इज ऑल्सो बीइंग ईटन बाय मी। तो अब नेक्स्ट बहुत ही आसान, उसी तरह चेंज कर देंगे, आई एम ऑल्सो प्लेइंग व्हाट यू आर प्लेइंग, मतलब आप जो खेल रहे हैं वो मैं भी खेल रहा हूं। तो पूरा से उठाकर बनाइए, व्हाट यू आर प्लेइंग, व्हाट यू आर प्लेइंग, और फिर जब इस पूरा सब्जेक्ट मान लिए तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे, इज, और उसी तरह ऑल्सो, दोनों एक ही तरह का था, कोई दिक्कत नहीं था, इज ऑल्सो, और इज ऑल्सो सॉरी बींग लगाएंगे, इज ऑल्सो बींग, और प्लेइंग एक प्लेइंग के लिए प्लेड करेंगे, तो इज ऑल्सो बींग प्लेड और बाई मी, ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस चेंज होगा। और आज का जो लास्ट है वो ये है कि यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट आर यू, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट आर यू, ये क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग का ये अफर्मेटिव है, तो बहुत आसान है चेंज करना। उसी तरह बनाएंगे, क्रिकेट से बनाएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट बीइंग, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट यहां से बनाएंगे तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। अब आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन टैग को क्या करें, जो आर यू लिखा है यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना, तो एक तरह से नहीं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में तो नहीं खेलते हैं ना आता नहीं, लेकिन कभी कभी दे दिया जाए चेंज करने के लिए, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई यू, और उसके लिए जो यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस ये अफर्मेटिव है आर यू, इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस इज को इज रहने देंगे, क्योंकि यहाँ इज था हेल्पिंग वर्ब में तो इज ही लगाएंगे, और क्रिकेट के लिए इट लगाएंगे और बीन कर देंगे, बस कुछ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जहां भी पढ़ते होंगे वहां आपको बताया गया होगा कि इफ द सेंटेंसेज विल बी अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, एंड इफ द सेंटेंसेज विल बी नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ वही हाल करना है, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, इज इट बीइंग करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को पॉज करके लिखिए, और ये जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बेहद ही आसान है, बस एक बीइंग याद रखना है, आसानी से चेंज हो जाएगा आपको ये सेंटेंसेज। और ये जो स्पेशल केस कुछ कर सके हैं, जैसे कि टू वाले, और ये स्पेशल केस में कुछ आती है, इस पर मैं और भी आपको एक्सरसाइज करवा दूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारी वीडियो को आप देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं आगे अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।